हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज भी आपके लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देना चाहते हैं। और ये पंचांग और दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 8 मई सन 2023 दिन सोमवार संवत 2080 का है। हिंदी का महीना चल रहा है ज्येष्ठ का महीना, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज तृतीया यानी कि तीज। नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा, योग रहेगा शिव और करण होगा आज वणिज। राशि रहेगी आज वृश्चिक, लेकिन चंद्रमा आज शाम 7:10 पर अपनी नीच राशि वृश्चिक से निकल करके अपनी सम राशि धनु में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि इस प्रकार रहेगी कि प्रातः 7:28 से लेकर प्रातः 9:07 तक। अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि रहेगी दोपहर 12 से लेकर दोपहर 12:48 तक। और इसके अतिरिक्त आज श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है साथियों। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम दैनिक राशिफल को लेकर के। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो देखते तो हैं पर अभी भी 80% व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज ये सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है पर इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। आरंभ करेंगे मेष राशि से और बताना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर ही आधारित है। तो मेरे मेष राशि के जो जातक हैं जिनका एरीज साइन है उनसे बताना चाहेंगे कि आज आपको कहीं से रुका हुआ धन मिल सकता है। मन की चंचलता पर नियंत्रण जरूर रखिए, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। और कानूनी अड़चन दूर होकर आज के दिन स्थिति आपके फेवर में बनेगी, आपके अनुकूल रहेगी और जीवन साथी पर आपकी काफी मेहरबानी रहेगी। जल्दबाजी में धन हानि हो सकती है, व्यवसाय में वृद्धि होगी आपके आज, नौकरी में भी आपको शांति और सुकून बना रहेगा। पैसा अपना जहां पर भी इन्वेस्ट करेंगे वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। कार्य आपके पूरे होंगे, समय पर होंगे और घर और बाहर सुख और शांति दोनों बने रहेंगे। तो ये रहेगी स्थिति आज के दिन की। उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए, पारिवारिक जीवन को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बिस्तर पर क्रीम रंग की चादर जरूर बिछाएं। शुभ रंग आपके लिए मैरून, शुभ अंक आपके लिए 4। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन, तो साथियों स्थायी संपत्ति की खरीद फरोख्त से आपको कोई अच्छा बड़ा लाभ मिल सकता है। प्रतिद्वंदिता रहेगी, कंपटीशन तो रहेगा, कॉम्पिटिटर्स आपको कॉम्पीट करेंगे, कॉम्पिटिशन देंगे। पार्टनरों का भी सहयोग समय पर मिलने से, यानी कि अगर आप कोई भी कार्य पार्टनरशिप में कर रहे हैं, पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं, तो उनका भरपूर सहयोग मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में भी मातहतों का जो सहयोग है वो आपको मिलेगा, यानी कि जो आपके अंडर कार्य करते हैं उनका भरपूर सहयोग आप प्राप्त करेंगे अपने ऑफिस में। व्यवसाय आपका बिल्कुल सही दिशा में जाएगा, आय में भी वृद्धि होने के अच्छे संकेत हैं, लेकिन चोट एवं रोग से आपके कार्यों में बाधा संभव है। दूसरों के कार्यों में किसी प्रकार का भी दखलंदाजी ना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय आप करें, सफेद गाय को सफेद मिष्ठान खिलाना आपके रोजगार या व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा उपाय रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी और शुभ अंक आपके लिए आज 3। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन, तो साथियों पार्टी या पिकनिक की योजना आपके द्वारा बनाई जा सकती है आज के दिन और उसका फिर मित्रों के साथ आप समय व्यतीत भी करेंगे, उसका आनंद भी लेंगे। स्वादिष्ट भोजन का भी साथ के साथ आनंद लेंगे। बौद्धिक कार्य आपके पूर्ण रूप से सफल होंगे और किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त हो। नौकरी में अनुकूलता बनी रहेगी, लेकिन अपने वाणी पर अपने शब्दों पर नियंत्रण अवश्य रखें। शत्रु आपके आपके ऊपर हावी होने की करेंगे कोशिश। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। उपाय आप करें, रोजाना हरी घास पर नंगे पांव चलने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होगा आपकी। शुभ रंग आपके लिए संतरी और शुभ अंक आपके लिए आज 9। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन, घर और बाहर मन थोड़ा सा शांत बना रहेगा आज के दिन। प्रिय साथियों, आपके कार्यों में भी थोड़ा बाधाएं पैदा होंगी,
और इनकम में आपके कमी दिखती है, लेकिन नौकरी में कार्यभार बिल्कुल सही रहेगा, बना रहेगा, कार्य की स्थिति सही रहेगी। बेवजह लोगों से कहा सुनी अगर ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसा योग बना हुआ है। दुखद समाचार मिलने से भी थोड़ा सा मानसिक परेशानी रहेगी। और व्यवसाय जो भी आप करते हैं उससे कहीं ना कहीं असंतुष्ट मन रहेगा आपका उसको लेके। और जो आपके पार्टनर्स हैं जिनके साथ मिलकर के आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उनके साथ भी आपका किसी ना किसी बात को लेकर के आज इशू बन सकता है। जहां तक भी हो सके जोखिम भरे कार्य हैं या फिर अपने कोर्ट कचहरी से संबंधित मसले हैं, उनको आज के दिन ना पूरा करें। जल्दबाजी से ही सारे काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी किसी कार्य को पूरा करने में ना करें। उपाय आप करें, साधु संतों का आदर जरूर करें, ऐसा करने पर और साथ में उनको भोजन कराने पर आपके लिए ये हर तरीके से बहुत ही शुभ उपाय रहेगा। चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे धन की स्थिति हो या प्रेम की स्थिति हो, इसमें हर चीज में ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा उपाय। शुभ रंग आपके लिए हरा, शुभ अंक आपके लिए आज 7। सिंह राशि यानी कि लियो साइन, प्रयास आपके पूर्ण रूप से सफल रहेंगे और किसी बड़े कार्य की समस्याएं भी उसको लेकर के दूर होंगी, उसका समाधान भी आप निकाल पाएंगे। मित्रों को सहयोग देंगे और कर्ज अगर आपके ऊपर है और उसको चुकाना चाहते हैं तो आसानी से चुका भी पाएंगे। मन संतुष्ट रहेगा, समाज में आपका मान और सम्मान में वृद्धि होगी, व्यापार आपकी इच्छा के अनुरूप चलेगा जैसा आप चलाना चाहते हैं, और आपका प्रभाव भी सभी पर बना रहेगा। नौकरी में आपके इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी आज के दिन। और जहां पर भी अपना पैसा आप लगाने वाले हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो भी कहा जाए कि सेव कर रहे हैं, वहां से भी अच्छा लाभ के तौर पे आपको रिटर्न मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, जोखिम भरे कार्यों से दूर रहिए और कोर्ट कचहरी के मसलों को भी आज के दिन हाथ ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर। उपाय आप करें, भगवान में पूर्ण रूप से अपनी आस्था रखें और सत्संगति करें, और मानसिक हिंसा करने से बिल्कुल बचिएगा, यह आपकी आर्थिक स्थिति को ऐसा करने से बेहतर करेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद और शुभ अंक आपके लिए आज 5। कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन, तो साथियों दूर से कहीं से शुभ समाचार आपको मिल सकता है। आत्मविश्वास में भी आपके वृद्धि होगी और नौकरी में जो आपके सहयोगी हैं, जो कलीग्स हैं, उनका पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे। व्यवसाय में अगर आप किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो कार्य बिगड़ सकता है, और चोट या दुर्घटना भी कोई ना कोई घट सकती है। चोट भी लग सकती है, कोई दुर्घटना भी घट सकती है। वैसे तो आज के दिन आपको कुछ लाभ के और भी अवसर हाथ आ सकते हैं। घर और बाहर की स्थिति दोनों ही आपके अनुकूल रहेगी, प्रसन्नता का वातावरण बना रहने वाला है पूरे दिन। जो भी आपकी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल चीजें हैं उनको बहुत संभाल के रखने की जरूरत है। उपाय आप करें, सोने के चम्मच का प्रयोग खाने में करने पर रोजगार या व्यापार में आपकी निश्चित रूप से तरक्की होगी। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी और शुभ अंक आपके लिए आज 2। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन, साथियों आप तुला राशि के जातकों से कहना चाहते हैं कि एक तो आप अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण जरूर रखिए, जरूरत से ज्यादा एक्साइटमेंट भी कई बार अपने लिए भी नुकसानदायी हो जाता है। हालांकि आपको आज के दिन आपके जीवन साथी से तो भरपूर सहयोग मिलेगा, और जो भी आप यात्रा करेंगे अपने कार्यों के सिलसिले में वो भी सफल सिद्ध होगी, और कहीं से कुछ अच्छे और बड़े लाभ प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। भाग्य का भरपूर सहयोग और साथ मिलेगा, व्यवसाय आपका बिल्कुल एकदम ट्रैक पर चलेगा। नौकरी में आपके कुछ अधिकारों में वृद्धि हो सकती है। जुए, सट्टा, लॉटरी ऐसे किसी कार्य में ना पड़ें, अपने आप को ना उलझाएं, अन्यथा बहुत अच्छा खासा नुकसान आप उठा लेंगे। पैसा कहीं पर भी अगर आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लेटर और सूनर आपको अच्छा लाभ देगा। उपाय आप कर सकते हैं, अपने इष्ट देव को पूजा में लाल सिंदूर अर्पित करने से हेल्थ अच्छा होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरी, शुभ अंक आपके लिए आज 6। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन, आज कुछ अचानक आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं जिसके विषय में आपने कुछ सोच विचार पहले से ना किया हो।
अचानक ऐसा होगा। व्यवस्था नहीं होने से भी पैसे की परेशानी हो सकती है, और व्यवसाय जो भी आप कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको कुछ कमी अपने व्यवसाय में नज़र आएगी। नौकरी में अगर हैं तो वहाँ आपका किसी के साथ आर्गुमेंट्स हो सकते हैं जिससे आपको बचना चाहिए। पार्टनरों से मतभेद भी आपके उभर करके सामने आएंगे। पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ आपके मतभेद पैदा होंगे, और इन सब बातों के उपरांत आप शारीरिक तौर पर थकान महसूस करेंगे। जो आपके अपेक्षित कार्य हैं, कि जिन कार्यों को आपको लगता है कि आप एक फिक्स टाइम में पूरा कर पाएंगे, वहां पर भी किसी ना किसी प्रकार की बाधा या परेशानी आ सकती है। चिंता और तनाव उन चीजों को लेकर के बना रहेगा मन में, लेकिन आय आपको निश्चित रूप से, इनकम आपको होती रहेगी। उपाय आप करें, इलायची का सेवन करने से हेल्थ अच्छा होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला और शुभ अंक आपके लिए आज 7। धनुराशि यानी कि सेजिटेरियस साइन, तो साथियों अज्ञात भय या चिंता आपको बनी रहेगी पूरे दिन, लेकिन यात्रा जो भी करेंगे किसी भी उद्देश्य को लेकर करेंगे वो सफल होगी। थोड़ी बहुत आंखों में तकलीफ हो सकती है आज के दिन, और किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन अगर कर रहे हैं या बैंक में जाकर के किसी प्रकार का कोई आपका काम है रुपए पैसे से संबंधित, बहुत सावधानी पूर्वक करें, चाहे आप डेबिट कर रहे हैं पैसा या क्रेडिट कर रहे हैं, और बगैर मांगे किसी को सलाह भी ना दें। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। पैसा अगर आपका कहीं रुका हुआ है तो आज वापस आ सकता है, और व्यावसायिक तौर पर जो यात्रा अगर आप करने जा रहे हैं वो भी सफल होगी। उपाय आप करें, कोढ़ियों को कुछ आर्थिक मदद करने या भोजन देने से आपका जो प्रेमी जीवन है वो बेहतरीन होगा, अच्छा होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला और शुभ अंक आपके लिए आज 9 यानी कि 9। मकर राशि कैप्रिकॉन साइन, तो साथियों आज के दिन बैठ करके कुछ अच्छी नई योजनाएं बनाने की आपकी इच्छा रहेगी, और अपने कार्य करने के तौर तरीकों में आप सुधार लाने की कोशिश करेंगे, ऐसा विचार बनाएंगे। सामाजिक कार्य करने की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी, और प्रतिष्ठा में भी आपकी वृद्धि होगी। सुख के साधन आप जुटाएंगे अपने लिए, उस चाहे उस पर आपको अपना धन भी क्यों ना खर्च करना पड़े। नौकरी में वर्चस्व तो आपका बना रहेगा। आय के कुछ अच्छे रिसोर्सेज आपके लिए बन सकते हैं आने वाले दिनों में, और व्यवसाय आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा। निवेश आप अपने पैसे का अगर कहीं कर रहे हैं तो अगर आप उस निवेश का आपको लाभ भी प्राप्त होगा, वो निवेश आपके लिए शुभ रहेगा। घर और बाहर सहयोग और प्रसन्नता बना रहेगा पूरे दिन, और उसमें वृद्धि भी होगी। उपाय आप करें, चंद्रमा की चांदनी में 15 से 20 मिनट बैठिए, सिर्फ बैठना है। ऐसा करने पर स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी और शुभ अंक आपके लिए आज 5। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन, प्रिय साथियों बताना चाहते हैं आप कुंभ राशि के जातकों को कि कहीं से आपका रुका हुआ धन आज के दिन वापस आपको मिल सकता है, और पूजा पाठ इत्यादि में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, आपका मन लगेगा, सत्संग में कहीं जाना पसंद करेंगे, दमा से धार्मिक लाभ लेना पसंद करेंगे आप, और इसी वजह से आपकी आत्म शांति भी बनी रहेगी। कोर्ट या कचहरी के जो कार्य हैं वहाँ के से भी आपको कुछ अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। लाभ के अवसर कुछ और नए आपके लिए पैदा होंगे, और प्रसन्नता का वातावरण आपके लिए पूरे दिन बना रहेगा। और जो आपके अपने असिस्टेंट्स हैं ऑफिस में, उनका भी सहयोग प्राप्त करेंगे आप, और किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का भी एक अच्छा अवसर आपको मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिए कि दूसरों के कार्यों में किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप ना करें। उपाय आप करें, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं मस्तिष्क पे, स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभ उपाय है। शुभ रंग आपके लिए भूरा और शुभ अंक आपके लिए आज 3। मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन, प्रिय साथियों क्रोध और अपने उत्तेजना पर नियंत्रण जरूर बना करके रखिएगा, क्योंकि विवाद हो सकता है ऐसी चीज़ों से, और विवाद अगर हो गया तो ये आपके मन को अशांत करेगा, आपके लिए तनाव पैदा करेगा। पुराना रोग कोई आज के दिन आपको कर सकता है परेशान, और स्वास्थ्य पर भी आपके धन का खर्च आज के दिन होने की बहुत अच्छी संभावना है। यदि आप वाहन चला रहे हैं या फिर कोई मशीनरी को ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि आज दुर्घटना घटने का भी योग दिख रहा है। छोटी सी गलती आपकी एक बड़ा रूप धारण कर सकती है, उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है आपको।
वैसे व्यवसाय आपका ठीक चलेगा। मित्र हैं आपके या संबंधी हैं आपकी हेल्प करने के लिए आगे आएंगे, निश्चित रूप से आए भी आपको इनकम होती रहेगी। किसी प्रकार का बस किसी कार्य को करने में जोखिम ना लें, अभी वो समय नहीं है। उपाय आप करें, गरीब कन्याओं में सुगंधित सफेद मिठाई बांटेंगे तो निश्चित रूप से आपका हेल्थ बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे और शुभ अंक आपके लिए आज दो। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 8 मई सन 2023 दिन सोमवार संवत 2080 का। तो हमने आप सभी 12 राशियों के जातकों को इस दैनिक राशिफल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज का दिन किस प्रकार से व्यतीत हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अब समय आ गया है प्रिय साथियों कि हम अपनी वाणी को यहाँ पर दें विराम और अपने आप सभी प्रिय श्रोता गणों से लें इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।